पिछले 10 सालों में इनको दो बार यहाँ से सांसद दिया बनाया गया, और तिवारा भी इनको भाजपा ने पता नहीं क्यों दे दिया टिकट भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इन पर विश्वास जितना किया है जनता इनको कि देखना नहीं चाह रही। कोई विकास नहीं देख लिया, आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी गली चले जाइए, कोई भी चले जाइए, आप किस रोड पे निकल जाइए, सारी उन्नाव की रोड, आप जो लुकैया खड़े वाली रोड चले जाइए, कोई भी विकास नहीं, आप बिल्कुल रोड खराब है, कहीं भी कोई विकास नहीं है। मैं कहता हूँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, आप केरल जाइए, आप बेंगलोर जाइए, कर्नाटका जाइए, वहाँ पे सबसे ज्यादा स्लॉट है, वो आज तकरीबन कराए गए। नमस्कार, मैं हूँ विपिन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का। हमारी टीम उन्नाव पहुंच चुकी है और उन्नाव की जनता से जानेंगे क्या है चुनावी माहौल। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और उन्नाव की बात करें तो उन्नाव के लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज हैं। इस बार मोदी सरकार ने तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी बनाया है, और वहीं सपा की बात करें तो इस बार गठबंधन से अन्नू टंडन को प्रत्याशी बनाया है। अगर बसपा की बात करें तो बसपा से अशोक पांडे को उन्नाव से प्रत्याशी बनाया। तो सीधे तौर पर हम जनता से, जनता के बीच में जाएंगे और जनता से बात करेंगे किस तरह का कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का और क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? रजनीश यादव। रजनीश जी, इस बार 10 साल केंद्र में सरकार रही है, उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज हैं, किस तरह का विकास रहा है? कुछ विकास नहीं रहा, जरा सा भी नहीं रहा। यहाँ से दिल्ली तक सिर्फ झूठे वादे, खोखले वादे, पेपर पे वादे, इसके अलावा ज़मीन पे कहीं कुछ नहीं है। अभी लेटेस्ट अगर हम देख लें, मतलब पुराने अगर मोदी जी के 14 से भाषण देख लें तो बहुत कुछ मतलब सबको पता है। अगर लेटेस्ट देख लें, अभी मोदी जी का एक बयान आया था कि हम नौकरियों में SC ST OBC का आरक्षण नहीं चाहते हैं, किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। तो जब ST OBC इतनी दिक्कत है तो फिर उनका वोट क्यों चाहिए? ये लोग कहाँ जाएंगे? संविधान का क्या होगा? संविधान के दायरे में मिला था, EWS आने में देर नहीं लगी, इनके आरक्षण आप खत्म करने में दिन पर दिन तरतुआ चले जा रहे हैं। और रही बात महंगाई, तो सबको पता है गैस सिलेंडर की किसी चर्चा नहीं होती, मीडिया कहाँ चला गया सबको पता है, जो मुद्दे दिखाने हैं वो दिखते नहीं हैं। तो इस तरह से कुल मिला के सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और वो ये ज़रूरी नहीं कि मतलब कौन आए, को जरूरी है कि देश हित के लिए, अगर देश को बचाना है तो सत्ता हटानी पड़ेगी। 10 साल से साक्षी महाराज उन्नाव में विकास कार्य कर रहे हैं, उनका कहना बहुत विकास हुआ है, क्या कहें? बहुत विकास हुआ है। इन्होंने एक गाँव लिया था यहीं पास में दही चौकी के, टीकरगढ़ी, आप चले जाइए या कोई चला जाए, देख लीजिए कितना विकास हुआ है उसको। तो गांव वो सांसद गोद ग्राम नहीं गोद योजना के तहत लिया गया था, और हम तो उधर आते हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ है। उन्नाव की सड़कें कैसी हैं? किसी से छुपी नहीं है, हम यहाँ रहते हैं आवास विकास के पास में, इतना इतना पानी भर के घुटनों तक हम लोग आते जाते रहते हैं। नगर पालिका से चले जाओ, कोई मतलब JCB आके इधर उधर मिट्टी डाल देगी, कोई रोड कोई सड़क कोई ऐसा नहीं जो 1 किलोमीटर के दायरे में गड्ढे ना हो। चाहे वो लखनऊ बाईपास हाईवे पर चले जाओ, चाहे स्टेडियम के सामने चले जाओ, चाहे सिविल लाइन तरफ चले जाओ, कहीं कुछ सारा खस्ता हाल है, कुछ मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये दोबारा सत्ता सरकार में आती है तो फिर आदमी 5 साल पिसने के लिए तैयार हो जाए। कितना विकास देख रहे हैं इस बार? 2014 से जब कुछ नहीं तो अब क्या मतलब है, सिर्फ खोखले वादे, कागजों पे वादे, झूठे वादे, वही बात पुरानी है। इसलिए 10 साल बहुत हो गए हैं, अब आदमी को सोचना चाहिए, अब नहीं सोचेगा तो फिर समय हाथ से निकल जाएगा। हमारे साथ कुछ युवा हैं, सीधे तौर पे उनसे बात करेंगे आखिरकार शिक्षा की क्या व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव है। गौरव जी, इस बार शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की ये देखिए, अभी UPP की जो भर्ती आई थी उसको भी जो है, जो वैकेंसी आई हुई थी उसको भी रद्द कर दिया, उसमें भी धांधली, हर जगह शिक्षा में मतलब वैकेंसी तो बिल्कुल जीरो ही है, पेपर भी लीक हो जाते हैं। और यहाँ उन्नाव में कोई धरातल पे कोई काम भी नहीं किया साक्षी महाराज ने पिछले 10 सालों में, इनको दो बार यहाँ से सांसद दिया बनाया गया, और तिवारा भी इनको भाजपा ने पता नहीं क्यों दे दिया टिकट भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इन पर विश्वास जितना किया है जनता इनको अब देखना नहीं चाह रही है। राशन मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, राशन मिल रहा है, जो भारत सरकार की योजना है वो राशन तो मिल रहा है, लेकिन और कोई धरातल पे और कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, ना उन्नाव की कोई सड़कों पे कोई काम हुआ है, इस तरह का कोई भी काम नहीं हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया, उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया, सबसे बड़ा विकास हो गया। राम मंदिर एक मुद्दा था बड़ा, हम ये मानते हैं, लेकिन मंदिर बनाने से क्या आपको रोजगार मिल जाएगा? नहीं ना, तो हम इतना बड़ा उसको मुद्दा नहीं समझते हैं। किसको जिता रहे हैं इस बार? नहीं, हम तो सपा को ही देंगे। ये डबल इंजन की सरकार में जो शामिल है उन्नाव, इस खचाड़ा इंजन को उन्नाव की जनता ने बिल्कुल बदलने का मूड बना लिया है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ एक दादा हैं। दादा क्या नाम है? मेरा नाम शिवमंगल पासी है, और मैं थोड़ा छोटा मोटा धंधा करता हूँ। बस हमको कुछ नहीं कहना आपके TV चैनल से, बस हमको संविधान बचाना है। संविधान
नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बिक जाएगा बस। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधे तौर पे उनसे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और युवा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजू गुप्ता। संजू जी, 10 साल साक्षी महाराज रहे हैं केंद्र में, 10 साल मोदी सरकार रही है, किस तरह का विकास रहा है? विकास तो बिल्कुल नहीं रहा है, क्योंकि सांसद जी 10 साल में आज तक एक बार भी सदर में नहीं दिखे हैं, और इतने दिन से कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बड़े चौराहे पे आए हों, हमारे क्षेत्र में आए हों, कभी कोई विकास का काम किया हो, आज तक कुछ नहीं हुआ। और इस बार शायद उन्नाव बदलेगा, इस बार शायद अन्नू टंडन जीत सकते हैं। आप लोगों को राशन मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है, राशन उसका काम तो चल रहा है, जो मोदी जी ने काम दिया था वो तो चल रहा है, लेकिन बाकी उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज जी का कोई भी सीट नहीं निकलने वाली, एक सीट ही नहीं निकलने वाली है। उन्नाव से 10 साल साक्षी महाराज रहे हैं, तमाम तरह की योजनाएं गिना रहे हैं, हमने सड़क बिजली पानी की व्यवस्था कर दी है, लोगों को राशन दे, बेरोजगार कोई नौकरी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कोई अभी तक तो मुझे नहीं लगता, जैसे पेपर लीक हो रहे हैं इस बिहाफ पे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार आ सकती, लेकिन ऊपर हम लोग मोदी जी का ही चेहरा देख रहे हैं, बाकी उन्नाव में साक्षी महाराज जी का कोई भी सीट नहीं आने वाली उन्नाव की। इस बार बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्नाव में, ऊपर नहीं, सीट साक्षी महाराज जी की जाएगी और केंद्र में मोदी जी ही रहेंगे। हम इस वक्त एक चाय की दुकान पर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ एक युवा मौजूद है, हम सीधे तौर से उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद दानिश। दानिश जी, आज चाय की दुकान खोल जी, क्या कहते हैं चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल ये है कि प्रदेश में जो है, देश में पूरे राहुल गांधी जी की सरकार आ रही है, फुल बहुमत से सरकार आएगी राहुल गांधी जी की, और माननीय श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में, और यहाँ के जो युवा पीढ़ी है उन्नाव की, यहाँ पे 10 साल से कोई भी विकास नहीं हुआ है, साक्षी महाराज ने कोई भी विकास नहीं कराया यहाँ पे, और माननीय श्रीमती अन्नू टंडन जी को फुल सपोर्ट करा जा रहा है, और अन्नू टंडन जी को आगे सपोर्ट करा जाएगा। साक्षी महाराज कह रहे बहुत विकास हुआ उन्नाव में, कोई विकास नहीं देख लिया, आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी गली चले जाइए, कोई भी चले जाइए, आप किस रोड पे निकल जाइए, सारी उन्नाव की रोड, आप ये लुकैया खड़े वाली रोड चले जाइए, कोई भी विकास नहीं, आप बिल्कुल रोड खराब है, कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा है भाजपा सरकार कह रही है हम राशन दे रहे हैं और राम मंदिर बनवा दिया है, राशन देने से आदमी की पूर्ति हो जाएगी? आप ये बताइए, राशन देने से कुछ नहीं होगा, 5 किलो राशन में लोगों का घर चल जाएगा, सिलेंडर तो महंगा, हर एक चीज़ तो महंगी, अब बताइए 5 किलो राशन में कुछ हो जाएगा जनता का? हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? यश पांडे। यश पांडे जी, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं जी, किसकी हवा चल रही है? मेरे हिसाब से बीजेपी फिर से, और इस बार बीजेपी ज़्यादा बड़ी बात नहीं, और 400 सीटें पूरी पाई। लगातार सरकार कह रही है, उनके सांसद कह रहे हैं मोदी सरकार 400 पार जी, क्या लगता है इस बार उम्मीद? बिल्कुल पूरी है, 400 सीटों से ज़्यादा ही मिलेगी इस बार बीजेपी सरकार को। लेकिन उन्नाव की बात करें, विकास की बात करें, तो कितना विकास हुआ है उन्नाव में? उन्नाव में विकास हो रहा है, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर जाएंगे तो, जैसे ही बड़े भाई ने बोला कि जो आज की तारीख बोल रहे हैं राशन दे रहे हैं, बात 5 किलो राशन की नहीं है, बात है आज की, आज तक की सरकार ने कभी किसी ने ये किया नहीं। दूसरी चीज़ महंगाई, बात महंगाई कब बढ़ती है? जब उस चीज़ की क्वांटिटी कम हो और मांग ज़्यादा हो। आप संख्या दर पे काम करिए, संख्या डेली बढ़ रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो चीज़ें महंगी होंगी। उन्नाव में कौन से ऐसे विकास कार्य रहे हैं, गिरा सकते हैं? अरे आप किसी भी क्षेत्र में निकल जाइए, आप जैसे इधर आप इधर जाइए जाजमऊ से पहले देखिए आप, हाईवे बनना है पूरा, उसके बाद आप इधर निकल जाइए सोनिक में देखिए हाईवे बनना है, हर जगह आपको विकास कार्य मिलेगा। नेशनल हाईवे पे बहुत गड्ढे हैं। अरे भाई जी, चीज़ें सही हो रही हैं, आप सोचो 70 साल में जो पहले बिगड़ा है वो 10 साल में सही होगा, इनको भी 40 साल दीजिए, 50 साल दीजिए चीज़ों को सही करने के लिए। राम मंदिर मुद्दा रहेगा इस बार? राम मंदिर मुद्दा नहीं रहेगा, इस बार मुद्दा रहेगा मथुरा, राम और अयोध्या तो आ ही चुके हैं, अब मथुरा की बात ही है। सलमान शाही। सलमान जी, इस बार किसकी सरकार है? इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी। मोदी सरकार 10 साल रही है, मोदी सरकार 10 साल रही, मगर उन्नाव की बात करिए, जहाँ पे आप चुनाव हो रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं 10 साल ये रहे साक्षी महाराज जी, मैं सांसद हैं उन्नाव में, इन्होंने 14 में इन्होंने चुनाव के टाइम पे इन्होंने कहा था कि हम सलाट जैसे जीतेंगे हम सलाटर हाउस बंद करा देंगे, सलाटर हाउस बंद कराना तो दूर रहा, इन्होंने और खुलवा दी, सलाटर हाउस से जो कुछ भी है वो सब काम हो रहा है। बीफ के ऊपर कहिए तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इस टाइम हिंदुस्तान से बाहर बीफ के सबसे ज़्यादा हुआ है। इसके बिल्कुल कह सकते हैं कि जब भाजपा सांसद साक्षी महाराज सत्ता में आए थे, उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा था उन्नाव में स्लाटर हाउस बंद कराने का, लेकिन
उन्नाव के स्लाटर हाउस नहीं बंद हुए और एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। कितने बढ़ गए हैं लमसम? लमसम 8-9 भवन हैं, बढ़ गए हैं। सांसद जी कह रहे हैं हमने उन्नाव में विकास बहुत किया है, सड़कें बनवा दी हैं, लोगों को रोजगार दे दिए हैं, राशन बांट रहे हैं। सांसद जी खाली यही बता दें, उन्होंने 2 गांव उन्नाव के लिए थे, उनका क्या विकास हुआ ये आप खाली देख लीजिए, हमसे पूछिए क्या विकास किया उन 2 गांव में। उन्नाव जिले की तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं, खाली वो 2 गांव के बारे में बता दें उन गाँव में क्या किया उन्होंने। मैं इस बात को काटूंगा भाई की, जैसे भाई ने बोला स्लॉटर हाउस वाली बात, कि हाँ मैं इस चीज़ को मानता हूँ, जब सरकार बनी थी तो योगी जी ने भी बोला था और यहाँ पे साक्षी महाराज ने बोला था कि सारे स्लॉटर हाउस बंद करा जाएंगे, नहीं सारे होंगे तो कुछ तक होंगे। मैं कहता हूँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, आप केरल जाइए, आप बेंगलोर जाइए, कर्नाटका जाइए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लॉटर है, वो आज तक नहीं बंद कराए गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा की सरकार पेपर लीक हो रहे हैं, ये उनकी सरकार में क्या नहीं हुए हैं, आप उठा के देखिए एक आधा पेपर उनके भी सरकार में लीक हुए होंगे। ये सब चीज़ें हैं भैया, इस पे मत ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया विकास है, आप चल के देख लें, ना चल पाएंगे पैदल ना निकल पाएंगे, इतना अच्छा विकास किसी सांसद ने कहीं नहीं किया होगा जितना अच्छा विकास उन्होंने उन्नाव जिले का किया है। लूट लिया, पूरे शहर को गंदगी का ढेर बना दिया है। अब मोदी जी एक नया मुद्दा लिया है, हम हिंदू भाई 5 साल में 4 साल मिलते हैं, 4 साल भाईचारे का रिश्ता जोड़ पाते हैं, देश का प्रधानमंत्री एक आवाज़ देता है माइक पे, बहनों भाइयों हिंदू भाई हिंदू बहनें, आपका गहना, आपका मकान, आपके जेवर, आपका मंगलसूत्र छीन के ये मुसलमानों को दे दिया जाएगा। 2 सेकंड में हमको और हिंदू भाइयों को दुश्मन बना देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को अपने मुंह से अपने अल्फाजों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम बीजेपी को वोट देते थे पहले, लेकिन अब मैं सब हिंदू भाइयों को कह रहा हूँ, ऐसी सरकार मत लाइए जो जहर इतना घोल दिया हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ये बंद करें, साधारण चुनाव लड़ें। अगर यहाँ का नेता अगर ये मुद्दा उठाता है, वो हिंदू है तुम मुसलमान हो, तो नेताओं की तो भाषा हमको समझ में आती है, ये नेता आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री हमारा जो है वही रहे, हम तो ये चाहते हैं, बाकी इस तरीके की बातें ना करें, बस इतना। सरकार कह रही है हमने राम मंदिर बनवा दिया, सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार। हम बहुत खुश हैं, अच्छा हुआ उन्होंने बनवा दिया, सरकार ने नहीं बनवाया, ये अदालत का फैसला हुआ है, हम लोगों ने इस फैसले को स्वीकार किया है, हम लोगों ने किसी से नहीं कहा, राम मंदिर हमारा मस्जिद छीन के तुड़वा बनवा दिया, लेकिन ये डंका अभी तक चल रहा है। अरे अब बन गया वो बात ख़त्म करो, ख़त्म हुई तो एक नया मुद्दा लिया है, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका मकान छीन लेंगे, आपका जेवर छीन लेंगे, मुसलमानों को दे दिया जाएगा। और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ भैया, हमारा वर्मा जी नाम है। अच्छा, वर्मा। ये बताइए, उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में 10 साल साक्षी महाराज रहे हैं, किस तरह का विकास रहा है उनका? विकास जो है भैया, चारों तरफ से लगा करके सब गड्ढा भरा हुआ, पानी भर जाता है, कोई विकास का काम नहीं हुआ, ये सब फर्जी सब बतियाते हैं बीजेपी वाले। उन्नाव की सड़कों पर पानी भर जाता है, हल्की बारिश पानी भर जाता, सब लगवा दिया है ईटा वाला बर्फ वाला, सब रेली मोटरसाइकिल पंचर होता है। अरे डामर कराओ, डामर तो पी गए बीजेपी वाले, सब डामर ही पी गए, बोले डामर खत्म, मट्टी तेल पी गए और डामर पी गए, अब ये ईटा बिछवा रहे हैं जो डेली सार मोटरसाइकिल पंचर हो है ना। इस बार राशन आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन सारे खुद ही भेज भेज खा रहे हैं, कितना कोटा कंट्रोल वाले हैं, खुद सारे भेज लिए थे, चोरी चोरी ले जाएंगे। हम इस वक्त परचून की गुमटी पर पहुंच चुके हैं और देखिए ये गुमटी है और गुमटी पर हमारे साथ एक दादा मौजूद हैं। दादा क्या नाम है आपका? रईस अहमद। ये बताइए इस बार किसकी सरकार है, क्या माहौल है? भाई माहौल तो यहाँ नू टंडन का है। पर सांसद साक्षी महाराज उन्नाव में रहे हैं, किस तरह का विकास रहा है? कुछ नहीं रहा, हमारे गाँव तो कुछ नहीं हुआ। कौन सा गाँव है आपका? सिंगरौसी। राज जी बताते हैं हमने बहुत विकास किया है। कोई विकास नहीं, आज हमारे गांव में जाके देख लो कैसे खड्डे पड़े हुए हैं। सड़कें बनी हैं? सड़कें क्या, ये तो ये जल निगम वालों ने बनवा दी, तो जाने का रास्ता भी हो गई, बारिश में घुटनों के बराबर टहला रहता है। राशन मिलता है आप लोगों को? राशन तो मिलता है, राशन मिलने में कोई दिक्कत, राशन तो मिल रहा है।
राशन ही मिलने से क्या होता है। उन्नाव में किस तरह का बदलाव चाहते हैं इस बार? भाई अब की बदलाव होना चाहिए। 10 साल राज कर रहे हैं बाबा? हाँ हाँ बाबा राज कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं तो उनके नसीब में जब तक था तब तक राज किया। क्या नाम है आपका? नरेश गुप्ता। कि बदलाव क्या बात करें तो वो साइकिल है तो पंचर है, बाकी जितनी पार्टियां सब बेकार हैं। तो आदमी नाच चाहते हुए जो वोट देगा तो ऊपर के लोगों को देगा, जाहिर सी बात है, और साक्षी महाराज जी को ही वोट जाएगा, जाहिर सी बात है भाई। तो वोट आदमी ना चाहते हुए भी उन्होंने कुछ विकास नहीं किया है, उसके बावजूद भी आदमी जो है वोट बीजेपी को ही देगा, क्योंकि ऊपर जो है लोग वो सही हैं, उनको आदमी देख रहा है। विकास की गंगा बिल्कुल नहीं बही, वो तो आपको पता है कोई तरीके से, आप मीडिया के रिपोर्टर, आपको किसी को पता है कि क्या विकास हुआ और क्या विकास नहीं हुआ है, वो तो आप भली बात जानते हैं और जनता भी भली बात जानती है क्या विकास हुआ है। इस बार कितना किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन क्या आदमी ना चाहते हुए भी बता रहा हूँ आपको, ना चाहते हुए वोट अगर देगा तो बीजेपी को ही देगा, क्योंकि बाकी सब बेकार हैं, कुछ अच्छा है तो बीजेपी ही ठीक है और वोट कमल को ही जाएगा। जाहिर सी बात है लोग राम मंदिर को देख रहे हैं, उसके बाद चाह रहे हैं मथुरा और काशी को भी जो भव्य मंदिर बने, इसीलिए जो है वोट जो है भाजपा को ही जाएगा, बीजेपी को ही जाएगा। क्या नाम है? सुनील दीक्षित। सुनील जी, सीधे तौर पर इस बार लोकसभा चुनाव है और खासकर काफ़ी मुद्दे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार 10 सालों में केंद्र में रही है, क्या मानते हैं किस तरह का बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो देखिए बहुत है, बदलाव में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे सांसद जी में है। सांसद जी में ये है, जैसे नगर पालिका है, नगर पालिका में भी जो पैसा आ रहा है उसका 40% भी नहीं लगता है, या तो पंकज गुप्ता खाते हैं, सबको मालूम है, और या तो वो बंडर बांट करके वो साक्षी महाराज जी को जाता है। खदान हो रही हैं, आशुतोष शुक्ला जी खदान कर रहे हैं, आज सिकंदरपुर पुराना देखिए जा करके 50-50 गांव है, जो एक तरफ बिल्कुल भाजपा के खिलाफ है। हमारा व्यापारिक काम है, मैं जाता रहता हूँ, ऐसा कभी नहीं भैया। लेकिन इस बार मोदी सरकार के लिए राम मंदिर बनवा दिया और राशन लोगों को दे रहे हैं। देखिए मंदिर का काम तो जो उन्होंने किया है जा करके वो बहुत अच्छा किया है, और इस वजह से मन यहाँ पे पत्थर रख करके वोट देंगे, वो भी सिर्फ ऊपर के लिए देंगे, केंद्र के लिए केवल मोदी के लिए या योगी के लिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं। विकास की बात की जाए तो विकास किस तरह कर रहा है उन्होंने? विकास तो बहुत, देखिए ये केवल मठ बनवा रहे हैं, मस्जिद वो बनवा रहे हैं, केवल पैसा यहाँ से लूट के लेके जा रहे हैं, और आप ये सोचो कि ये हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, जो ऊपर से हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, ऊपर से बहुत बढ़िया हो रहा है। पैसा इसके पहले भी आता था, जब गोल्डी जी थे तब भी आता था, वो आता था तो क्या था, 40 लाख रुपए का 40% भी नहीं लगता है, 60% केवल, क्या नहीं मालूम है ऊपर से नीचे तक, नहीं मालूम है, मालूम करना चाहिए ऊपर से के जो भी हैं जिम्मेदार लोग, चाहे वो मोदी जी हों चाहे अमित शाह जी हों, थोड़ा बहुत इसमें भी ध्यान देना चाहिए। ध्यान इसलिए देना चाहिए कि आप विकास कर रहे हैं मगर विकास हो नहीं रहा, आप पैसा भेज रहे हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा हो, लेकिन सरकार कह रही है हम राशन बराबर दे रहे हैं गरीबों को, वो भी अच्छा है। कोरोना के बाद वो भी जो ये कर रहे हैं वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा इसलिए कि कोरोना के बाद बहुत से घर ऐसे हैं जो उजड़ गए, तो राशन मिलने से ये है कि कम से कम उन घरों में इतनी वो दिक्कतें नहीं है, अच्छी चीज़ है, उसमें कोई बुराई नहीं है, देना चाहिए। तो ये थे दादा हमारे साथ, जिन्होंने अपने पक्ष रखे हैं और तमाम लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। अब इसी कड़ी में हम अगली विधानसभा में मुलाकात होगी और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इस बार प्रधानमंत्री कौन होगा।